सबसे पहले मैं अपने साथ 61 खवातीन और हज़रात जो गिरफ्तार हुए 22 अगस्त को उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहूँगा। दूसरा हमारे साथ जो वकला की टीम है, स्पेशली बिलाल मुस्तफा, यूसुफ वाइन, अगर सदीक साहब, लतीफ पोशा साहब और दीगर वकला जिन्होंने हमारे लिए दिन रात मेहनत की, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अपोजिशन लीडर, डिप्टी अपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट पार्टी के लीडर, MPS जिन्होंने मेरी फैमिली को पूरा सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और सोशल मीडिया की टीम जिसने हमारे लिए सोशल मीडिया पे आवाज उठाई और बड़ी बेहतरीन आवाज उठाई, मैं उनका भी तहे दिल से मशहूर हूँ। और आखिर में ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि 21 सितंबर को इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा होगा, तो इस पर हुक्म पर अमल करते हुए तमाम कारकुनों से गुजारिश है कि वो घर घर जाए और लोगों को इस जलसे की दावत दें। इंशाल्लाह पाकिस्तान का तारीखी जलसा होगा। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। ने अपने इंसाफ के निजाम के ऊपर वारदात कर रहे हैं। इस वक्त क्या हो रहा है, PTI के MNAs को अगवा किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को उठाया जा रहा है, किस लिए? ताकि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिल सके। तो इसलिए हम सब पे अब मजबूरन हमें अपने इंसाफ के निजाम को बचाने के लिए, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए आप हम सबको खड़े होना पड़ेगा। ये इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आप अपने लिए खड़े हो जाएं। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं जेल में बैठ के ठीक हूँ, मैं जेल में काट लूंगा, आप अपनी फिक्र करें कि आपके साथ क्या होगा। तो यही आज का मैं आपको हवाला दे दिया और आपको पता चल गया कि अब हमारा इंसाफ का निजाम किधर जा रहा है। टीम के जरिए उसको जो है वो अमल पजीर में लाया जा रहा है, उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। और पार्लियामेंट, पहले तो पूरी पार्लियामेंट वैसे ही जाली है, 18 सीटों के साथ वज़ीरे आज़म बैठा हुआ है, और अब इसके ऊपर भी जब सीटें पूरी नहीं हो रही तो लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को अगवा करके नंबर पूरे किए जा रहे हैं। तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी नौकरी जो है वो आपको इतनी अजीज हो गई है कि आप लोगों को अगवा करवा के अपनी मुद्दत में इजाफा करवाना चाहते हैं? ऐसे ना करें, आपका एक कैरियर है, सारी उम्र आपने इस कैरियर में लगाई है, क्या इज्जत रह जाएगी? सबने जाना होता है, कितना अरसा बंदा इख्तदार में रह जाता है।